much-awaited annual calendar of Bollywood's ace photographer Dabu Ratnani is finally out. जी हाँ, इस साल भी अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, ऋतिक रोशन, सनी लियोन, विद्या बालन, अनुष्का शर्मा, अक्षय कुमार, कृति सेनन और कार्तिक आर्यन जैसे कई स्टार्स ने दब्बू रत्नानी के साथ फोटोशूट किया है और इस बार कियारा एडवानी, जानवी कपूर और कार्तिक आर्यन ने दब्बू के साथ डेब्यू किया है। लेकिन इस कैलेंडर लॉन्च के दौरान रेखा का कातिलाना अंदाज सबका दिल ले गया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं फिल्म लुका छुपी फिल्म के ट्रेलर के बारे में। इस फिल्म के बढ़ते हुए व्यूज के बारे में देखिए आखिर क्या हो रहा है। See, of course, you know, trailer, I think, आपकी फिल्म की झलक होती है, तो अगर लुका छुपी की झलक लोगों को पसंद आई है, and actually the response has been fabulous. It's touched almost 50 million views overall. That's, I think, massive. It's more than what I had expected, and it's faster than what I had expected. So, yeah, people are loving it, and I'm really glad because that's exactly what the film is. And I'm really hoping they love the film also as much. अब बात करते हैं फिल्म भारत की, जिसके टीजर में सलमान खान के सारे लोग दिखते हैं। मगर खास बात यह है कि सलमान खान ने इस फिल्म में अपने ब्रेसलेट के बिना ही शूटिंग की है, क्योंकि नेवी ऑफिसर के तौर पर वो नहीं चाहते कि वो ये ब्रेसलेट पहनकर किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाए, जिस कारण उन्होंने सब चीजों को ध्यान में रखा है। नहीं आया था एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा फिल्म करने के लिए सोनम कपूर को डायरेक्टर का कॉल। सो द फर्स्ट टाइम आई गॉट अ मैसेज फॉर शेली वाज नॉट थ्रू विनोद अंकल, इवन दो ही इज नोन मी माय होल लाइफ। आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम सम अदर प्रोड्यूसर सेइंग दैट देयर इज अ फिल्म, एंड देन आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम गजल दैट देयर इज अ फिल्म दैट आई वांटेड टू हियर नाउ बिकॉज़ आई मेट गजल, सो आई यू रिमेंबर दिस गजल, एंड देन आई वाज लाइक हां गजल लेट्स हियर इट, एंड दैट्स व्हेन शेली केम एंड And she, you remember this Shelly? And I was like, why didn't Vinod Anka just call me? So she's like, he didn't want to. He wanted me to do it on my own. I didn't call Sonam. This is important for you to know. I did not want to influence her this much. Only if you like the script and the director, you do the film. Otherwise, I will never call you. अरे वाह विनोद अंकल जी, professionalism हो तो आपकी तरह हो। आखिरकार कंगना राउत की फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी ने अपने दुश्मनों का मुंह बंद कर ही दिया है। आपको बता दें कि कंगना खुद इस फिल्म के रिलीज के बाद वेकेशंस पर निकल गई हैं, लेकिन यहां उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चौंके छक्के मार रही है, जिसने अब तक 50 करोड़ का कलेक्शन क्रॉस कर लिया है, बावजूद अपने डिजिटल राइट्स 30 करोड़ में सेल किए हैं। तो ये थी आज की टॉप 5 अपडेट्स। आपका इन पर क्या कहना है कमेंट कीजिए, और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।